खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। महू विधानसभा के मानपुर थाना क्षेत्र से डकैती की योजना बनाते हुए 10 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दो नाबालिग भी शामिल है। महू के चोपड़ा वाटिका में एडिशनल एसपी पुनीत गहलोत एवं एसडीओपी विनोद शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे पर सुनसान इलाके में अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए इंदौर उप पुलिस महानिरीक्षक मनीष कपूरिया के आदेश अनुसार इंदौर पश्चिम पुलिस अधीक्षक महेश चंद जैन के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत एवं एसडीओपी विनोद शर्मा के मार्गदर्शन में मानपुर थाना प्रभारी हितेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में 4 टीम बनाकर जांच में लगाई गई थी, जिसमें मुखबिर की सूचना पर ग्राम खेड़ी सी होत के पास बड़ा तालाब पुलिया के किनारे कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे थे। सूचना पर मानपुर थाना प्रभारी हितेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में 4 अलग अलग पुलिस टीम बनाकर बताए गए स्थानों पर दबिश दी गई, तो वहां से 4 मोटरसाइकिल बगैर नंबर की और 10 युवक योजना बनाते हुए पकड़े गए। इनके पास से लाठी, तलवार, चाकू और 4 मोबाइल जब्त किए गए, जिन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा गया। इस सनसनीखेज वारदात का जो अंजाम तक पहुंचाने में थाना प्रभारी हितेंद्र सिंह राठौर, उप निरीक्षक फतन सिंह भोसले, उप निरीक्षक एमएल डोरियार, उप निरीक्षक चैन सिंह चौहान आदि का सराहनीय सहयोग रहा। दिनांक 15 और 16 की दरमियानी रात को थाना मानपुर पर थाना प्रभारी हितेश राठौर और उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेड़ी सिहोद के पास में एक बड़ा तालाब की पुलिया पर 10 लोग बैठे हैं और वो रापी लगाकर लेबर रोड पर वाहनों को लूटकर डकैती देने की योजना बना रहे हैं। मुखबिर के द्वारा ये जो सूचना गंभीर किस्म की पाए जाने पर थाना प्रभारी श्री राठौर के द्वारा तत्काल 4 टीमें बनाई गई और मुखबिर के द्वारा बतलाए गए स्थान पर रवाना की गई। जब टीमें उस स्थान पर पहुंची, तब वहां पर मुखबिर द्वारा जो बताई गई सूचना थी वह सत्य पाई गई। वहां पर 10 लोग बैठे हुए थे, 4 उनके पास मोटरसाइकिल थी और उनके पास कुछ लठ, कुछ चाकू, कुछ तलवार और अन्य डकैती में उपयोग में लाए जाने लायक सामग्री थी। सूचना की तस्दीक करने पर घटनास्थल पर पहुंचने पर थाना प्रभारी द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने जो अपनी डकैती की योजना की जो उनकी प्लानिंग थी उसको स्वीकारा। इसके साथ ही उनसे 4 जो मोबाइल जो जब्त किए गए हैं, उनमें जो 2 मोबाइल हैं वह विगत दिनों में जो डबल लूट केस हुआ था थाना मानपुर में और थाना बड़गोंदा में, वे भी जब्त किए गए। इस प्रकार से मुखबिर की सूचना पर सक्रिय कार्यवाही करते हुए श्री राठौर और उनकी टीम ने न सिर्फ एक बड़ी घटना को अंजाम में लाने से बचाया, बल्कि जो 2 डबल लूट हुई थी उनको भी उन्होंने ट्रेस किया। इसके अलावा यह जो गैंग है 10 लोगों का, अधिकांशतः इनमें से जो लोग हैं गोलखेड़ा जो थाना मानपुर में गांव आता है वहां के रहने वाले हैं। ये शातिर किस्म के लोग हैं और गैंग बनाकर लगातार वारदातें इस क्षेत्र में दे रहे थे। इन लोगों ने थाना महू और थाना बड़गोंदा में पूर्व में भी 2 मोबाइल चुराए थे, जिसकी भी इन्होंने तस्दीक की है और उन घटनाओं को भी कबूला है। इस प्रकार से लॉकडाउन के दौर में, जनता कर्फ्यू के दौर में, जहाँ पर सभी लोग इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रेस में है, ऐसी स्थिति में चोर लुटेरों का जो ये गैंग सक्रिय है, इस बड़े गैंग का पर्दाफाश करने में मानपुर पुलिस को सफलता मिली है। इन सभी 10 आरोपियों के विरुद्ध धारा 399 और 402 IPC के तहत केस कायम किया गया है। जिस प्रकार का इनका रिकॉर्ड है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि और भी कई घटनाओं में ये लोग इन्वॉल्व रहे होंगे, जिसकी तफ्तीश मानपुर पुलिस टीम द्वारा की जाएगी। मानपुर पुलिस
और थाना प्रभारी श्री राठौर की टीम के द्वारा जो ये सराहनीय कार्य किया गया उस पर एसपी पश्चिम महोदय श्री महेशचंद जैन द्वारा 5,000 का इनाम इन्हें नगद टीम को दिया गया। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।